नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट बाय सिंह सर। आज हम करेंगे 15 दिसंबर की शिफ्ट 1, 2, 3, ठीक है। और इसके बाद आपकी एक शिफ्ट बचेगी तो उसको भी फटाक से खत्म करते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, रिवीजन करना है। और जो भी एमटीएस वगैरह की सीरीज होंगी, बहुत छोटे छोटे वीडियो होंगे, उनको आप 2x स्पीड पे जैसे भी देखना चाहें आप देख सकते हैं रिवीजन के पर्पज से। उससे आपका कॉन्फिडेंस ही बढ़ेगा और कुछ कम नहीं होगा। और इसकी पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम पे मिल ही जाएगी, तो उसको भी ज्वाइन कर लो। थोड़ा अभी से डिले हो रहा है, लेकिन उसको मैं कंपाइल करके वहां पर अपडेट कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखो पहला सवाल कह रहा है, एक कार्य का आधे भाग को 10 दिनों में करता है, तो पूरे भाग को कितने दिन में करेगा? 20 दिन में करेगा, ठीक है। जबकि बी उसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकता है। चलो भाई, बी कर रहा है 25 दिन में। उन दोनों ने एक साथ मिलकर 10 दिनों तक कार्य किया और शेष कार्य को सी ने 5 दिनों में पूरा किया। ए बी सी एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं? तो यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। 25 चौकू 100 हो जाएगा और 20 पंजे 100 हो जाएगा। एलसीएम हमने ले लिया 100, टोटल वर्क आ गया निकल के। अब 10 दिनों तक दोनों ने काम किया, तो 5×4 9 की इफिशियंसी, 10 दिन काम करेंगे तो 90 काम हो गया। अब बचा कितना काम है, 100 में से घटा देंगे 90, 10, ये कर दिया 5 दिन में, तो सी की इफिशियंसी आ गई निकल के कितनी, 2 आ गई। अब तीनों को मिलकर करना था, तो 100/5×4 9 प्लस का 2 यानी कि 11 हो गया, यानी कि 9 सही 1/11 आंसर। अगला सवाल, बाई सेलिंग 2 आर्टिकल फॉर 780 अ पर्सन गेन्स द कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 आर्टिकल्स, द प्रॉफिट परसेंटेज इज। कह रहा है कि 2 आर्टिकल उसने 780 में बेचे, तो क्या हुआ उसको 4 आर्टिकल के कॉस्ट प्राइस के बराबर क्या हो गया, उसे लाभ हो गया, प्रॉफिट परसेंटेज बताना था। अब यहाँ पर देखो, अगर हम मान लेते कि 2 का सेलिंग प्राइस और 2 के कॉस्ट प्राइस के अगर बराबर कर देते तो दोनों बराबर हो गए, ना प्रॉफिट ना लॉस होता। लेकिन इतने पर बेचने पर उसे 4 वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस के बराबर प्रॉफिट हो गया, तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इस तरीके से लिख देंगे। तो इधर काट देंगे, 2×2 = 2, 2×2 = 4 हो गया, यानी कि एसपी अपॉन में सीपी कितना हो गया, 3/1 हो गया। प्रॉफिट कितने का हुआ, 2 रुपए का, किस पर, 1 पर, गुणे में 100, आंसर आ गया कितना, 200%। अगला सवाल, द मार्क प्राइस ऑफ अ फैन इज दिस, इट इज सोल्ड फॉर दिस, द परसेंटेज डिस्काउंट अलाउड। देखो कितना सिंपल सवाल हो गया। अब यहां से देखो, या तो कैंसिल आउट कर लो या तो डायरेक्ट डिफरेंस कर लो। तो डिफरेंस अगर करेंगे तो 10 से 6 गया तो 4 हो गया, इधर बचा कितना, 7, 17 से 9 गया तो 8 बच गया, और बटे में कर देंगे 16, 8, 0, क्योंकि हमें इसी पर तो डिस्काउंट पता लगेगा, इसी पर तो डिस्काउंट दिया गया था। थोड़ा बहुत ऑप्शन का सहारा ले लें क्या, क्योंकि ऊपर बन गया 840 और नीचे बन गया 168 हो गया, 16×5 = 80 भी दिख रहा, 5×8 = 40 भी दिख रहा, तो आंसर क्या हो गया, 5%। अगला सवाल, अरे क्या बात है, तो शिफ्ट में सब वन लाइनर आ रहे हैं। इतने की दीवार बनाने के लिए इतने इतने आयाम की देखो ईंटें लग रही होंगी, तो उनकी कितनी ईंटे की जरूरत पड़ेगी, बस ये देख लो। यहाँ पर सेंटीमीटर है और यहाँ पर मीटर है, और ऑप्शन में मैंने देखा सभी जगह अलग अलग लिखे हुए हैं, तो हमें कोई मतलब नहीं है, बस दिमाग में रखो कि दुनिया भर के 0 ऊपर आ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 32 हो गया, 11.25 हो गया, इधर गुणे में 6 हो गया, 6 से 6 काट दो, 8×4 = 32 हो गया। इधर करेंगे 25×9 = 225, 25×4 = 100, 25×5 = 125 हो गया, 9×5 = 45 हो गया, और इधर 5×4 = 20 हो गया। अब ऊपर क्या, दुनिया भर के 0 आ रहे होंगे, 20×5 = 100 जिसमें लिखा है आंसर। अब ये 0 आ कहां से रहे भाई, देखो मीटर को अगर सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 100 का गुणा 600 बन गया, और फिर 22.5 हो गया, और बटे में ये जो जितने नंबर थे वो लिखने थे। अब हमें काम ही नहीं करना उस पर 0 पर, क्योंकि ऑप्शन नहीं चाहते हैं, ऑप्शन चाहें तो हम करेंगे, ठीक है। अगला सवाल, उस धनराशि के लिए ब्याज दर ज्ञात कीजिए जो 3 वर्षों में स्वयं की इतनी गुनी हो जाती है, यदि ब्याज गणना चक्रवादी रूप से होती है। तो एक चीज समझो भैया, सिंपल सी बात, हमने राशि मान ली 1000, इतनी गुनी हो गई तो 1728 हो गई, यानी कि ये 10^3 लिखा, ये 12^3 लिखा, यानी कि कहीं ना कहीं p³ और क्यूब पी करे, हाँ a³ इस तरीके से चली होगी, क्यूब रूट लेंगे तो पी और ए का रेशियो 10 और 12 आ जाएगा पहले साल का, तो यहाँ 2/10 / 100 आंसर आ गया 20%। अगला सवाल, अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाई 20% एंड देन डिक्रीज बाई 15%, द नंबर ऑफ ऑप्टेन इज 64 मोर देन द ओरिजिनल नंबर, द ओरिजिनल नंबर। अब देखो इस सवाल को कैसे सक्सेसिव से कर लो, 20×5 = 1/5 हो गया, तो पहले तो क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, तो 5 से चीज 1 बढ़ गई 6, 15% का मतलब 5 × 3 = 15, 5 × 2 = 10 यानी कि 3/20,
और 20 से 3 क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 3 6 हो गया, 2 1 2 हो गया, यानी कि इधर 50 आ गया, ये इधर 51 आ गया। तो हमारे हिसाब से कितना बड़ा, 1 1 बराबर में 64 हो गया, पर क्या निकालना था, ओरिजिनल नंबर। तो 50 बराबर निकाल लेंगे, 5 को 20, 5 छक्का 30, 2 32 आंसर। अगला सवाल, एक समचतुर्भुज का एक बिकर्ण दूसरे का 65% है, उसके लंबे वाले बिकर्ण को भुजा मानकर एक वर्ग बनाया जाता है, उस वर्ग के क्षेत्रफल उस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात क्या होगा। अब यहाँ पर देखो, दो बिकर्ण दिए गए थे, एक अगर 100 है तो दूसरे का 65% है, यानी कि ये हो गया, तो इधर करेंगे ये 13 हो गया, इधर करेंगे ये 20 हो गया, यानी कि समचतुर्भुज हम बनाते हैं तो इस तरीके से बनेगा। तो यहाँ पर इस तरीके से ये चीजें चलती हैं। अब यहाँ पर देखना, अगर ये एक विकर्ण D1 हो और दूसरा विकर्ण D2 हो, तो एक चीज समझो, अगर इसको D1 मानते हैं तो ये आधा आधा अगर इसको हम करेंगे तो ये D1/2 हो गया, हम इसमें कुछ एक्सप्लेन करना चाहते हैं इसलिए कर रहे हैं, और ये D2/2 हो गया। सम चतुर्भुज और आपका वर्ग, केवल दो चतुर्भुज ऐसे हैं जिनके विकर्ण हमेशा 90 डिग्री पर काटते हैं। अगर हम इनका एरिया निकालते हैं तो 1/2 D1/2 D2/2 हो जाता है, और ऐसे कितने चतुर्भुज बन रहे हैं, त्रिभुज बन रहे हैं, 1 2 3 4, तो 4 का गुणा, यानी कि ये इसमें कैंसिल आउट। तो हमेशा याद रखो, अगर विकर्ण दिए जाएं तो D1/D2/2, तो ये चतुर्भुज का क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा। समझ में आ गई बात। अब यहाँ पर कह रहा था लंबे वाले विकर्ण में, तो इसमें इन दोनों में बड़ा कौन सा है, ये वाला है, यानी कि अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 400 हो गया। यहाँ पर अगर पूरे का एरिया करेंगे तो 13 × 20/2 हो गया, तो ये तो 10 हो गया, इधर 0 काटेंगे तो ये हो गया, यानी कि आंसर आ गया 40/13। समझ में आ गई, तो ये फार्मूला याद रखना, और ये वाली चीज देखो अक्सर भूल जाते हैं, तो 90 वाली चीज ये बहुत अच्छे से याद रखना, नहीं तो फिर कंफ्यूजन में रहोगे। अगला सवाल, एक वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात इतना था, अब से 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 6:5 हो जाएगा, अब से 8 वर्ष बाद बी और ए की आयु का अनुपात कितना होगा। तो देखो, अगर इन सवालों में कुछ भी ना बना करे ना, तो ऑप्शन भी एक सहारा होते हैं, ऑप्शन से भी कर लिया करो। बाकी देखो, 4:3 क्या होता है, ये तो हो गई 1 साल पहले की, अब 3 साल अगर बाद में जाते हैं तो ये रेशियो हो गया 6:5 हो गया। अब एक चीज बताओ, यहाँ पर जो भी डिफरेंस चल रहा वो बराबर होना चाहिए, तो 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, बराबर चल रहा। अब यहाँ पर हमारे हिसाब से डिफरेंस 2 आया, लेकिन इसमें टोटल कितना था, 3 और 1 4 था। भाई एक चीज समझो, ये प्रेजेंट का हो गया, ये इससे ऊपर चले गए, ये 1 साल का, और इससे नीचे आ गए, ये कितने हो गए, 3 साल का। तो टोटल डिफरेंस कितना आया, 4 का आया। अब हमें क्या निकालना था, टोटल आय निकालनी थी दोनों की, टोटल नहीं सॉरी, आपको रेशियो निकालना था। तो पहले तो इनकी एग्जैक्ट पता होनी चाहिए, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुना कर दो 8 हो गया, 3 बराबर में 2 गुना 6 हो गया। अब ये जो एज आई है ना, वो ये समझ लो, वो आई कौन सी है भैया, 8 और 6 निकाली, ये वाली निकाली ना, 1 वर्ष पहले वाली, तो इसमें प्लस का 1 करना पड़ेगा, और हमें 8 वर्ष का चाहिए, 8 वर्ष बाद का, यानी कि कुल मिलाकर 9 9 जोड़ना था, तो 9 6 15 हो गया, 8 1 9 9 8 17 हो गया। और ये आया कौन कौन है, ए और बी, हमसे पूछा गया बी और ए का रेशियो, तो 15:17 हो गया। अगला सवाल, व्हेन द इंटीजर एन इज डिवाइडेड बाय 9 देन रिमाइंडर इज 4, व्हाट इज द रिमाइंडर इफ 15 एन इज डिवाइडेड बाय 9। अब एक चीज सिंपल सा सोचो, अगर हम 9 से डिवाइड कर दें 13 को, तो रिमाइंडर 4 बच जाएगा, यानी कि एन बराबर कितना मान लिया, 13 मान लिया। अब वो कह रहा है 15 × 13 हम डिवाइड करेंगे 9 से, तो तब कितना बचेगा, तो सिंपल सा इनको गुणा कर लो, या तो यार डायरेक्ट कर लो, 15 × 3 = 45, हासिल लगा 4 हो गया, 15 × 15 = 4, 19, 9 से डिवाइड कर देंगे 9 × 2 = 18 हो गया, 9 × 9 = 9, रिमाइंडर 6 आ गया। तो इसी तरीके से मान लिया करो, ठीक है, कोई भी ऐसा नंबर मान लो कि इतना रिमाइंडर मिल जाए, बात खत्म। अगला सवाल, क्या बात है भाई, 10 नंबर पे आ गए क्वेश्चन नंबर, और बिल्कुल आसान सवाल मिल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तक हम लोग इतने टफ टफ करते रहे। तो अगर इस टाइप का तुम्हें पेपर मिल गया, तो अब भैया हम लोग तैयारी कितने अच्छे लेवल की कर रहे हैं, और इस टाइप का अगर पेपर आ गया, 10 क्वेश्चन इतने इजी मिल गए, तो आपके ऑटोमेटिक 5 हो जाएंगे। तो ये चीज ध्यान रखा करो, पेपर में स्किप करते जाओ, जितने भी टफ सवाल हो, जितने भी तुम्हें लगे 2-3 लाइन का, खत्म करो उनको, बाद में करते हैं, 1 लाइनर पहले निपटा लो। अब यहाँ पर देखो, SCF पूछा गया था, SCF पूछा गया था, यहाँ पर ऐसा करो, सबको अगर 1 मान लेते तो यहाँ पर देखो, अगर 1 मान ले 8 देगा, यहाँ पर 1 मान ले तो 2 देगा, यहाँ पर 4 देगा, यहाँ पर 48 देगा। अब इनको भी खत्म कर दो, 4 6 8। एक चीज बताओ, इनमें सब में क्या कॉमन आ रहा, केवल 2 कॉमन आ रहा, आंसर लगा दो।
इतना रामायण लिखने की जरूरत क्या है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर सबसे निकालते घूमे। वैसे क्या होगा, जैसे आप अगर निकालते ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिखा था ए स्क्वायर बी क्यू और सी लिखा था ए क्यू बी और सी स्क्वायर, इसमें हम ये देखते हैं कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, मतलब पावर कौन सी है जो सभी में आ रही है। अब इसमें देखो सी स्क्वायर देखते हैं, इसमें तो सी रह गया यानी कि केवल सी ही आ सकता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं आएगा। इसमें बी स्क्वायर इसमें बी क्यू लेकिन इसमें तो बी रह गया तो केवल बी आ सकता है। इसमें ए स्क्वायर ए क्यूब है यानी कि ए स्क्वायर आ सकता है, और साथ में इनका हमें देख लेना था तो दो आंसर लगा देते साथ में, बाकी ऐसे भी कर सकते। अगला सवाल, एक व्यक्ति नाव से जल धारा के प्रवाह के विपरीत दिशा में 33 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में और जल धारा के प्रवाह की दिशा में 100 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है, तो उसे स्थिर जल में 36 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखो सिंपल सी बात है, ये विपरीत दिशा में चल रहा है, यानी कि अगर हम लिखें एस बराबर में डी अपॉन टी होता है, यानी कि हम इसमें अगर 3 से भाग कर दे तो स्पीड निकल आएगी, लेकिन कौन सी, विपरीत वाली, यानी कि ए माइनस बी का मान क्या आ गया डायरेक्ट 11, इसी तरीके से ए प्लस बी करेंगे डायरेक्ट क्या आ गया 25 आ गया। बात समझ में आ गई। अब कह रहा था स्थिर जल में, तो इसके लिए हमें नाव की चाल चाहिए, नाव की चाल ज्यादा होगी और धारा की कम होगी। अगर हमें नाव की निकालनी है तो दोनों को जोड़ दो, दो का भाग कर दो, यानी कि 25 11 36 बटे में 2 हो गया, यानी कि ये नाव की चाल आ गई। घटाकर 2 का भाग कर देंगे तो हमारी किसकी आ जाएगी, धारा की चाल, तो 36 बटे में 18, क्योंकि हमें स्थिर जल में जाना था, तो आंसर क्या आ गया 2। अगला सवाल, अब ये सवाल आपके लिए हो गया, ठीक है, चाहे बड़े भाई की तरह मान लो चाहे जैसे भी मानो, आपको करना है। देखो इतना विश्वास रखो, मैं किसी वजह से बोलता हूँ, हर क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन कोई भी आता सभी में बोलता हूँ, उसको करना है, ठीक है। चलो फिर अगला सवाल, डेविड को एक कार इतने में बेचने पर 30% का लाभ प्राप्त होता है, यदि वह 40% का लाभ पर बेचना का इच्छुक है तो कार का विक्रय मूल्य क्या होगा। देखो ये भी आसान सवाल हो गया, इतने में बेचा 30% का लाभ हो गया, यानी कि 130 बराबर यानी कि 13 बराबर 195 दिया था हमें, इतना मान निकालना था, तो 13 एकम 13 हो गया, 13 5 65, 15 4 60 हो गया, आंसर लगा 6, 15 एकम 15 6 21, जिसमें ये लिखा हो आंसर। बस ये इतना करते समय ये ध्यान दे लेना, ऑप्शन तो नहीं कहीं ऐसा लिख दिया हो 21,000 फिर 2,21,000 ऐसे करके, तब फिर दिक्कत हो जाएगी, तब आपको प्रॉपर वैल्यू देनी पड़ेगी। यहाँ पर क्या हुआ भाई, देखो 130 प्रॉफिट हमारे हिसाब से, क्वेश्चन में 195,000 दिया था, हमें 140 का चाहिए, बस आंसर है। अगर कॉस्ट प्राइस पूछ लेता तो देखो हमने वहीं से किया है, ये 130 हो गया, ये 140 हो गया, कॉस्ट प्राइस पूछता तो 100 बराबर निकालते। अगला सवाल, द एवरेज वेट ऑफ पी क्यू आर इज 59 kg, इफ द एवरेज वेट ऑफ पी क्यू इज 55 एंड दैट ऑफ क्यू एंड आर इज 58 kg, देन द वेट ऑफ क्यू। देखो सवाल बहुत आसान है, पहली 3 संख्याओं का एवरेज 59 है, पहली 2 संख्याओं का 55 है, अंतिम 2 संख्याओं का एवरेज 58 है। अब वो ये सवाल कहता था, ध्यान आया कि अगर जो संख्या इसमें इंक्लूड हो गई है वो संख्या हटा दी जाए तो बची हुई संख्याओं का एवरेज क्या होगा। अगर आपने पिछले पेपर देखे होंगे तो यहाँ पर टोटल 4 संख्याएं हो रही, यहाँ पर तो 3 है, यानी कि एक संख्या कहीं ना कहीं इसमें मर्ज हो गई ना बीच में, तो यहाँ पर अब देखो जो संख्या है मर्ज वाली उसके पास 59 तो रहा होगा। अगर इन सब चीजों को अभी थोड़ी देर के लिए इग्नोर कर दो तो ये 59 रहा होगा, तभी तो 3 संख्याओं का एवरेज 59 आएगा, नहीं तो आ ही नहीं पाएगा। अब यहाँ पर देखो ये कितना ले आए, कम 4 कम ले आए, कितने में 2 में, यानी कि 8 कम ले आए, ये भाई साहब 1 कम ले आए, कितने में 2 में, यानी कि टोटल कितना कम ले आए, ये 2 कम ले आए। अब हमने बताया था कभी भी नंबर अगर इंक्लूड वाला आ जाए तो जैसा आए, जैसे माइनस का 8 आया माइनस का 8, माइनस का 2 आया माइनस का 2, आंसर आ गया आपका 49 डायरेक्ट, समझ गए ना बात को। आप देखो अगर आपका बेसिक क्लियर होता आप क्या करते, 59 लिखते, यहाँ पर देखते ये दर कितना कम हो रहा, 4 और कितने लोग हैं, 2 4 2 8 लिख देते और यहाँ पर लिख देते माइनस का 2, डायरेक्ट 49 आंसर। ये ध्यान रखना नंबर इंक्लूड हो रहा है, यहाँ पर 4 नंबर है, यहाँ पर 3 ही बोले हैं, इसलिए माइनस आया तो माइनस और प्लस का आता तो प्लस लिखते, लेकिन जब नंबर इंक्लूड नहीं होता तो माइनस का प्लस हो जाता, क्योंकि जो नंबर इंक्लूड नहीं होगा तो एवरेज मेंटेन करने के लिए उसकी भरपाई करनी पड़ती है, तो वैसा सवाल कहीं आएगा तो उसको वहां बता देंगे। अगला सवाल, अब ये देखो इस शिफ्ट में तो 15 क्वेश्चन पे आ गए और कितना आसान पेपर था ये, तो बहुत शिफ्ट आसान थी भाई। एक धनराशि 9% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 5 वर्षों में इतनी हो जाती है, वही धनराशि उसी साधारण ब्याज की दर पर 9 वर्षों में कितनी हो जाएगी। अब ये सवाल देखो कितना आसान हो गया, अगर मान लो ये 100 होती क्या प्रिंसिपल और हमारी रेट 9 होती और 5 टाइम होता तो ब्याज कितना मिलता, 45 रुपए। अगर प्रिंसिपल सेम रहता और कह रहा था उसी दर पर यानी कि 9 रेट रहती और 9 वर्ष में तो कितना मिलता,
81 मिलता, यहाँ से अगर जोड़ते तो ये 145 हो गया, इधर अमाउंट 181 हो गया। 145 बराबर आपको दिया गया था 13920, आपको 181 बराबर करना था। अब इस सवाल पर इतनी प्रैक्टिस कर लो कि आपको ये चीजें डायरेक्ट पता लगे। भाई 9 पन्ना 45, 145, 9 ने 81, 181, ये चीजें कब पता लगेंगी? प्रैक्टिस करोगे बार बार कि ऐसा सवाल आएगा तो अपने आप से निकलने लगेंगे ये चीजें, लेकिन प्रैक्टिस होगी तभी हो पाएगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं होता, किसी से नहीं होता, और भी क्या ही कहें। तो सबसे पहले देखो, हमने यहाँ पर एक चीज देखी, यूनिट डिजिट अलग अलग है, यानी कि जीरो का आ रहा है, लेकिन हम उससे पहले काट के देख लेते हैं इसको। 5 दूनी 10, 5 ने 45 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, 3 बचा, 5 7 35 हो गया, 4 बच गया, 5 8 40, 5 6 20 हो गया। अब देखो जीरो आने की कहीं संभावना है? नहीं है ना, तो ये तो हटा ही दो। इधर करेंगे 4 एकम 4, नीचे में क्या था? 9 था, तो 9 में किसका गुणा करेंगे? 4 मिल जाएगा, 9 छक्का 54 हो रहा है, यहाँ तो 9 8 72 दे देगा, कैंसिल आउट, आंसर लगा दो। पूरी कैलकुलेशन नहीं करनी है, जहां तक आपको टाइम बचता है वहां तक बचा लो, ठीक है। अगला सवाल, एक गोदाम घनाव के आकार का है जिसकी बीमाएं इतनी इतनी हैं, इस घनाव में इतने मीटर क्यूब आयतन वाले कितने बक्से संग्रहित किए जा सकते हैं? तो सिंपल सी बात है, पहले तो इनका आयतन देख लें कितना है, ये आयतन आ गया, और बराबर में 0.8 ये भी वॉल्यूम दिया गया था, ये एन बक्से रखे जा सकते हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन नहीं चाहता कि आपको पॉइंट हटाएं या इतना सब कुछ करें, वो ये सिर्फ चाहता कि 8 6 48 करें, 6 6 24 72 करें, आंसर लगा दो। इसके अलावा आपको कोई भी मेहनत नहीं करनी है, फर्जी के जीरो हटा रहे कहीं कुछ कर रहे, इससे क्या समझ में आता? अगर इस सवाल पे आपकी प्रैक्टिस अच्छी होती तो डायरेक्ट कर सकते थे ना। आपको समझ में आ रही चीजें, मैं कहना क्या चाह रहा हूं? तो इस तरीके से होता है, स्टेप कटिंग बहुत जरूरी है। अगला सवाल, एक माली बगीचे में पौधे रोपित करना चाहता है, यदि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या समान है और 105 या 210 या 315 पंक्तियां हैं तो एक भी पौधा शेष नहीं रहता है, रोपित पौधों की न्यूनतम संख्या क्या होगी? न्यूनतम संख्या का मतलब हो गया इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम ले लो, या तो इन सब नंबर से वो नंबर कट रहा होगा वो देख लो, तो जो भी सुविधा अनुसार लगे उस पर हम काम कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ से 15 7 105 हो रहा था, तो यानी कि कहीं ना कहीं 5 3 8 2 10 हो रहा, 9 की डिविजिबिलिटी नहीं मिल रही क्या? इधर करेंगे, हाँ ठीक है छोड़ दो उसको, 3 की देख लेते हैं, ये मिला 5 3 8 1 9 सारे मिल गए। लेकिन एक चीज बताओ, एलसीएम लोगे तो जीरो आएगा? बिल्कुल आएगा, जीरो तो कहीं जा ही नहीं सकता ना, तो एक ऑप्शन कट गया। 7 का मल्टीपल 7 ने 63, 7 3 21 हो गया, ये चला गया। इसके अलावा हम 15 का करें तो यहाँ पर देखना 15 एकम 15 हो गया, बचा कितना है 6, 15 से तो कट गया। इधर करेंगे यहाँ से भी कुछ नहीं बनेगा, यहाँ से देखते हैं, इधर कहिया 5 6 20 हो गया, 3 बचा, 5 7 35, यानी कि 47 आ गया। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कुछ गलत लिख लिया है क्या? अच्छा हाँ, यहाँ पर 315 था, 315 तो जानते होगे ना आप लोग, नहीं जानते क्या? 5 6 30 हो गया और 5 3 15 हो गया, देखो 63 का मल्टीपल यहाँ पर आ गया, बात खत्म। क्योंकि देखो 210/5 करोगे, ये तो आपको अंडरस्टूड होना चाहिए ना, 21 3 63 5 3 15 ऊपर 10 बचा कटेगा? नहीं कटेगा भाई, मैं कहूँ ये आ क्यों नहीं रहा। अगला सवाल, माफ कीजिएगा भाई, एक व्यक्ति एक दूसरे की ओर 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे हैं, उनके मध्य 41 किलोमीटर की दूरी, वे एक दूसरे को कितने समय बाद मिलेंगे? पहली बात तो एक दूसरे की ओर, अगर देखो कभी कभी बड़े सवाल आते हैं ना तो ये चीज हमें दोबारा देखनी पड़ती है कि वो एक तरफ चल रहे थे विपरीत चल रहे थे, तो क्या होना चाहिए? जैसे रफ है सवाल, पढ़ते जाओ इस तरीके से तीर बना लो, दोनों एक तरफ चल रहे दोनों तीर इधर, विपरीत चल रहे तो इस तरीके से बना लो, जिससे आपको थोड़ा टाइम बच जाएगा। कभी कभी हो जाता है बड़े सवाल में दिक्कत होती है, अब एक दूसरे की तरफ चल रहे तो भैया स्पीड है तो जुड़ जाएंगे, यानी कि 2 4 4 8 हो गया। अब हमसे मिनट में पूछा गया, तो मिनट से में पूछा गया तो आंसर किस में आएगा? पहले तो घंटे में निकल के आएगा, इससे हम क्या करते हैं इसको 5/18 कर लें क्या? ऐसे बात नहीं बनेगी, छोड़ दो इसको, डायरेक्ट करते हैं भाई, 41/82 कर लिया, तो 41 दो बार चला गया, इसमें 60 का गुणा कर लेंगे, ये 30 आ गया, बात खत्म हो गई, आंसर। भाई ये तो फार्मूले वगैरह बहुत बेसिक सवाल है ये, ठीक है। अगला सवाल, 2 क्रमागत छूटों के बाद इतने की सूची मूल्य वाली एक टाई इतने के मूल्य पर उपलब्ध है, यदि दूसरी छूट 10% है तो पहली छूट कितनी थी? तो देखो हमें कोई पंचायत नहीं, हमें जो छूट पता है हम उसी पर काम करते हैं, तो ये 11475/100 हो गया, यहाँ से ये कैंसिल आउट हो गया, इधर 15 एकम 15 करेंगे, इधर 15 6 90 15 7 105 हो गया, 9 बच गया, 15 6 90 15 पना 75 हो गया,
7 6 13 5 18 यानी कि 9 एकम 9 हो गया, इधर करेंगे तो 9 8 72 हो गया, 9 5 45। तो 100 की चीज पर आप 85 की छूट, 85 में बेच दी तो छूट 15% हो गई, ये अपने आप निकल के आ जाती है। जो भी दिया जाए उस पर काम करो, उसके अलावा टेंशन फ्री रहो, आंसर आ जाए। अगला सवाल, ये तो हमें लग रहा सारी शिफ्ट आसान है क्या इसकी। चलो देखते हैं, यदि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत इतना है, सबसे छोटी संख्या का संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो आसान है भाई, 25 हो गई, अब ये तो बीच की संख्या आ गई, यानी कि 2 इधर रही होगी, 2 इधर रही होगी, यानी कि इससे पहले अगर विषम संख्या लिखते तो 23 हो गई, इससे पहले विषम संख्या 21 हो गई। अगला सवाल, इतना लिखना नहीं पड़ता, आपने देख लिया 25 है तो 2 इधर कम करके 4 आंसर लगा दो, ठीक है, 2 संख्याएं कम करके 4 माइनस कर लो, क्योंकि 2 2 4 कम हो रहा होगा, बाकी तो प्रैक्टिस का खेल है सब। 61.472 किलोमीटर की लंबाई को यथासंभव 3 महत्वपूर्ण अंकों में व्यक्त करने में प्रतिशत त्रुटि कितनी हो सकती है। अब यहाँ पर देखो हमें क्या दिया गया था, 61472, अब 3 अंकों तक करना था, यानी कि ये देखो 5 से बड़ा है 7, तो यहाँ पर कितना लिख सकते थे, 61.5 लिख सकते थे। अब इनमें डिफरेंस करते तो बड़ा तो ये वाला बन गया, तो इसको घटाएंगे, 10 से 2 गया तो 8 हो गया, 9 से 7 गया तो 2 हो गया, 4 से 4 गया तो 0 हो गया, 0.028 आ गया, यानी कि 0.028 आ गया। एक्चुअल में नंबर क्या था, 61.472 इंटू में 100 हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन अगर देखते हैं तो हमें फायदा रहेगा कि डायरेक्ट हम इसमें भाग कर लें, तो ये 2800 आ गया। सबसे पहले तो पॉइंट लगाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे, अभी पॉइंट बढ़ाया तो 0, अभी भी देखो भाग जाएगा, तो इधर 2 2 4 और 1 5 है, इधर 2 और 2 4 1 5 है, तो बराबर बराबर नंबर हो रहे हैं, यानी कि 61 अभी बड़ा है तो 10 और लगाना पड़ेगा, यहाँ पर हो गया, यानी कि ये दो ऑप्शन तो चले गए। अब हमारे पास या तो 2 होगा या तो 4 होगा, तो सबसे पहले बड़ा चेक करते हैं, तो 4 6 24 28 से छोटा आ रहा तो गुणा करके देख लेते हैं, 4 2 8 हो गया, 4 7 28 हो गया, 4 6 16 और 2 18 हो गया, 4 1 4 1 5 हो गया, 4 6 24 हो गया, 24 58, देखो इससे छोटा ही आ रहा 28 से, आंसर लगा दो। तो ये सवाल ऐसे है कि अगर आपको मतलब नहीं पता कि कैसे होता है तब इसमें दिक्कत होगी, बस यही था सिंपल सा, इसमें कि आपको चेक करना था केवल, इसमें से 3 नंबर तक हमने बना लिया, फिर ये तो बड़ा बन गया, इससे इसको घटाया तो इतनी त्रुटि होगी, जब त्रुटि होगी तो हम किससे देखेंगे, जो ओरिजिनल नंबर था उससे डिवाइड कर लिया हमारा आंसर। अगला सवाल, दिए गए समीकरण में x का उच्चतम मान कितना होगा। अब यहाँ पर देखो सिंपल सा, 8 1 9 9 3 12 हो गया, 2 का 2 हो गया, हासिल लगा 1 होगा। अब जब हासिल 1 लगा होगा, यहाँ पर x प्लस का y प्लस का z और इधर प्लस का 1 हो गया। अब हमें यहाँ पर 7 लाना है, एक चीज बताओ, इन सबको हम 0 0 कर दे रहे हैं, तो ये बताओ सबसे उच्चतम मान आ गया, बात खत्म होगी, आसान था। अगला सवाल, अब मिला थोड़ा एक अच्छा सवाल, अच्छा इन द सेंस मतलब साइज में बड़ा है, पहले 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज दर इतने थी, ठीक है, अगले 3 वर्षों के लिए इतनी थी, 5 वर्षों से अधिक अवधि के लिए यह 12% वार्षिक है। यदि एक व्यक्ति को 7 वर्षों के बाद मिश्रधन के रूप में इतना मिलते हैं तो उसने कितनी धनराशि का निवेश किया। ये भी आसान हो गया भाई, देखो 6.5 × 2 3 × 10 7 वर्ष की बात कर रहा था, 3 2 5 वर्ष हो चुके हैं, तो आगे कितने 2 वर्ष की और जरूरत है, उसके लिए रेट इतनी हो गई, 2 5 10 2 6 12 1 13 हो गया, 30 हो गया, 24 हो गया, जोड़ देंगे तो 24 13 37 30 67 67 हो गया, 67 तो ब्याज हो गया, क्योंकि ये सारे काम हमने 100 पर किए हैं, तो ब्याज में अगर ये जोड़ देंगे तो 167 हो गया, बराबर में 142200 हो गया। हमसे राशि पूछी थी 100 का मान, यानी कि कहीं ना कहीं ये मल्टीपल होगा 167 का, यही तो करना था बस, तो 17 हो गया और इधर कर देंगे 100। अब ऑप्शन का सारा ले लें क्या, लेकिन वो तो खेल खत्म ही कर दिया, उसने क्या बोल दिया निकटतम रुपए तक हमें बताना है। तो सिंपल सी बात है भैया, हमारा जन्म सिद्ध अधिकार वाला है ना, एक से दो बार करना पड़ेगा, 2 बार नहीं ज्यादा बार, क्योंकि यहाँ पर देखो ज्यादा बार करना पड़ेगा। चलो कर लेते हैं 142200 और ये आ गए। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन में 8 है, सब में 8 लिख लो, 8 7 56 हो गया, हासिल लगा 5 हो गया, 16 8 128 में 5 जोड़ देंगे तो 133 हो गया, तो यहाँ से करेंगे 12 से 6 गया 6 हो गया, इधर बचा 1 यानी कि 11 से 3 गया तो 8 हो गया, उतारा लिया 0 का। ऑप्शन में सबसे बड़ा 7 है, 16 7 112 हो गया, लेकिन ये भी तो था 160 में ही अगर हम 7 का गुणा करें 16 7 112 यानी कि 11 20 आ गया, लेकिन 860 चाहिए ना, तो ये भी कैंसिल हो गया। इधर करेंगे तो 16 छक्का 96 लेकिन 6 7
42, उधर भी तो बड़ा हो जाएगा तो ये भी कैंसिल हो गया। 5 से करेंगे 16, 5 80, 5 7 35, ये छोटा पड़ रहा है तो 5 का लिख लो, 5 7 35 हाथ से लगा 3, 16 5 80 हो 3 83 हो गया, तो 10 से 5 गया तो 5 हो गया, इधर बचा था 5, 5 से 3 गया 2, 1 0। अब ऑप्शन ए एक बार चेक कर लो, आंसर आ जाएगा, यहाँ पर एक है यहाँ पर चार है, चार का करेंगे तो 16 चौकू 64, 25 है तो बहुत ज्यादा है, हटा दो। अगला सवाल करते हैं, वैसे भी देखने से भी पता लग रहा है 167 में 250 में एक ही बार जाएगा, तो इस तरीके से ये तो हमारा बहुत बचपन का यार है ना, इस पे तो बढ़िया याद होगा ना आपको, ये इस तरीके से कॉपी होती थी, ये बढ़िया हम लोग बनाते थे, और ये अगर बिल्कुल एकदम लाइन के ऐसे करके ये करके बहुत होता था, इसके न्याय लिखना है अगर इधर उधर हो जाती तो मैं बहुत मारती थी उनको, तो क्या ही बताएं। चलो फिर अगला सवाल, यदि ए बी से 37% अधिक है तथा ए और बी के योग से सी 29% कम है तो सी ए से कितना परसेंट अधिक है। थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग रहा है, चलो देखते हैं। ए बी से 37% अधिक है यानी कि 137 हो गया। अब कह रहा था ए बी के योग से सी 29% कम है, जोड़ देंगे तो 7 3 और ये 237, 29% कम है यानी कि 71% चीज बची होगी, यानी कि संख्या बची होगी चीज इन द सेंस। ये भी कमेंट करते हैं कि चीज क्यों बोलते हैं, देखो आदत पड़ जाती है कि ऐसा चीज कर लेते वैसा कर लेते, तो सबका अपना अपना होता, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। अब कह रहा था कि सी ए से कितने परसेंट अधिक है, यानी कि यहाँ पर देखो गुणा कर लो, गुणा ही करना पड़ेगा, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। अब देखो 71 लिखा है, या तो इसको 70 प्लस का एक कर लो तब गुणा करके आप लिख कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट करना सीख लो, जैसे 237 इंटू में 71 लिखा है, हमने एक का गुणा किया 7 में, 7 आ गया, फिर एक का किया 3 में, अब 3 का हो गया इसमें, अब 7 से भी स्टार्ट हो जाएगा, 77 49 और 3, 3 का गुणा किया था एक में तो 49 और 3 52 हो गया, यहाँ से लगा 5, अब एक का गुणा इसमें किया, अब पीछे से 7 फॉलो करेगा, 7 3 21, 21 और 2 23 हो गया, 23 में 5 28 हो गया, यहाँ से लगा 2 हो गया, एक का तो खेल खत्म, 7 का गुणा करेंगे 7 दूनी 14, 14 और 2 16 हो गया। एक कर तभी पाओगे जब प्रैक्टिस होगी, देखो हम फिर बता रहे हैं क्योंकि इसके पीछे मैंने भी प्रैक्टिस की है तभी हो पा रही चीजें। अब यहाँ पर क्या करना है, सी ए से कितने परसेंट अधिक है तो डायरेक्ट डिफरेंस कर लो, काटने फाटने से कोई फायदा नहीं, तो इधर 7 हो गया 2 हो गया, 8 से 7 गया 1 हो गया, 6 से 3 गया तो 3 हो गया। अब यहाँ पर करेंगे भाई भाग 137 00 से, और यहाँ पर 00 ये परसेंटेज वाला आ गया, लिखते तो हम क्या लिखते 700 अपॉन में 137 00 ऐसे लिखते ये कट जाता, चलो यहाँ पर भी काट लेते। अब ऑप्शन देख लो, एक से करेंगे एक से तो बड़ा चला जाएगा, दो बार तो चला ही जाएगा, 2 7 14 हो गया, 13 2 26 और 1 27 हो गई, ठीक है। तो 12 से 4 गया तो 8 हो गया, 10 से 7 गया 3 हो गया, उतारा ले लिया 7, फिर से चला जाएगा बिल्कुल चला जाएगा तो आंसर लगा दो, क्योंकि दो तीन बार करोगे 13 3 39 हो जाएगा, 38 से बड़ा तो इसलिए आंसर लगा दो। अगला सवाल, 1 लाख की धनराशि अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली 14% वार्षिक दर से इतने वर्षों में के बाद मिश्र धन के रूप में कितनी प्राप्त होगी। अब यहाँ पर देखो 14% की राशि अर्धवार्षिक करा तो रेट तो 7% हो गई, यहाँ पर हम करेंगे तो देखो एक वर्ष में तो 6 6 महीने की 2 स्लैब, ये आधा वर्ष एक और लिखा था यानी कि अल्टीमेटली टाइम कितना हो गया 3 वर्ष हो गया, बात समझ पाए। अब देखो इसमें क्या होता है, आप चाहे ट्री मेथड लगा लो, एक और मैंने फार्मूला बताया था आपको, बताया था कि 3r(3r)² (r³), यहाँ पर 7 हो गई रेट 343 और 77 49 गुड़े में 3 और इधर 7 3 31 हो गया, इसको करेंगे 3 9 27 हासिल लगा 2 हो गया, 3 6 12 और 2 14 हो गया। अब यहाँ पर एक चीज याद रखनी होती है क्या, कि केवल दो अंक रहेंगे, 43 हो गया, इसको आगे बढ़ा देंगे 3 को कैरी करके तो 147 में 3 जोड़ेंगे तो 150, भाई यही नंबर निकला, 150 का 0 और 5 लिख देंगे, हासिल अभी भी 1 रहा तो वो इधर आ जाएगा, कितना हो गया 22 हो गया, बात समझ में आ गई। यानी कि ये इफेक्टिव रेट आ गई हमारी 3 साल की निकल के डायरेक्ट। अब एक चीज समझो, ये काम पूरा किस पर हुआ, इतनी परसेंटेज आई, ये पूरा काम 100 पे हुआ, इसमें अगर जोड़ देंगे तो 122.5043 ये अमाउंट बनेगा, आंसर आ गया। तो ये आपको तरीके पता होने चाहिए, अलग अलग तरीके, देखो ये सीआई ऐसा चैप्टर है इसमें बहुत तरीके लगते हैं। बाकी देखो ट्री मेथड लगाओगे तो 1 लाख 2 और ये 0 हो गए, 7% पहले साल करोगे तो 2 0 7000 आ गया, इधर 7000 आ जाएगा, इधर 7000 आ जाएगा, ठीक है। फिर इसका करोगे यहाँ से तो 77 49 490 आ गया, 490 आ गया, फिर इसका भी करना पड़ेगा। अब ये जो निकल के आएगा ना, वो क्या निकल के आएगा, हमारा ब्याज। अब यहाँ से समझना, ये हो गया 21,000, ठीक है। यहाँ पर अगर 1 लाख में
21,000 अगर हम जोड़ दें तो क्या होगा, 0001 2 1 आ गया, 121 आया। अब एक चीज समझ लो, 121 तो यहीं पर आ गया, 121 में भी ये 4 9 9 18 यहाँ से लगा, 1 5 4 9 हो गया, ये इतना और जुड़ जाएगा यानी कि 980 ये हो गया, यानी कि ये वाला तो पीछे रह गया। अब इसको जब आगे करने जाओगे, अब आगे नंबर पॉइंट में मिलने लगेंगे, 490 का 7% करोगे, एक ही बार करना ही है वैसे भी, तो 4 9 36 हो गया, यहाँ से लगा 7 9 63 यहाँ से लगा 6 हो गया, 7 4 28 और 28 और 6 34 हो गया। अब पॉइंट एक के बाद 3 4 यानी कि ये आ जाएगा 3 4.3। अब जोड़ लो पूरा पूरा आंसर आ जाएगा, थोड़ा बहुत इधर उधर फर्क पड़ता है, इतना आगे तो नहीं जाते कैसे भी। तो आपको अगर ये चीज पता है ना तो इससे बहुत आसानी से आंसर आ जाता है। इसका ड्रॉबैक ये है कि आपको जो भी यहाँ पर नंबर लिखा उसका सिर्फ आपको टेबल याद हो, अगर मान लो उसने 1 3 5 6 लिख दिया और फिर आपको ये निकालोगे तो निकल आएगा, इतनी आसानी से नहीं निकलेगा, तो ये चीज आप ध्यान रखना बस। चलो फिर अगला सवाल, एक व्यक्ति को स्वच्छ भारत के विज्ञापन लगाने हैं तथा वह साइकिल से जा रहा है, यदि साइकिल का प्रत्येक पहिया 11 किलोमीटर की दूरी तक तय करने में 5600 चक्कर लगाता है तो पहिए की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये सवाल तो सिंपल फार्मूला भेजता भाई, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, 2πr करेगा। अब वो कर रहा था 5600 चक्कर, यहाँ पर 11 किलोमीटर, ये मीटर में चेंज कर लिया, सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, और यहाँ पर 22/7 कर लो। अब इसको करेंगे तो 11 2 22 हो जाएगा, इससे कटके इधर करेंगे 4 हो गया, तो ये तो 25 हो गया। अब यहाँ पर ये 2 0 यहाँ से हटा दो, 7 8 56 कर दो, तो r बराबर कितना आ गया, 250/8 आ गया, तो 8 3 24 हो गया, 1 बचा 8 1 8 8 2 16 8 5 40। अगला सवाल, अब इस सवाल में देखो अगर आपका बेस क्लियर है तो m अपॉन में n 7 5 12 7 से 5 गया 2 यानी कि 2 6 में 12 डायरेक्ट लिखना है। समझ गए होगे बात को, मैंने ऐसा क्यों बोला अभी बता देते, अगर नहीं समझे तो देखो यहाँ पर अगर रखेंगे 6 का क्यूब तो आ जाएगा 216 प्लस में 1 हो गया, और नीचे करेंगे 216 माइनस का 1 यानी कि 217/215 हो गया। यहाँ पर हुआ क्या, जैसे देखो लिखा था m प्लस का n अपॉन में m माइनस का n बराबर में हो गया 7/5, यहाँ लग गया कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये रूल कहता है कि एक बार तो जोड़ दो, तो इनको एक बार तो जोड़ दिया, एक बार तो घटा दो, एक बार इनको माइनस का ऐसे लिख लो जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो, और ये हो गया 7 प्लस का 5 और 7 माइनस का 5 हो गया। अब यहाँ पर देखो नीचे ऊपर तो समझ ही गए होगा 2m आ जाएगा, नीचे देखना इसको ये माइनस अंदर गुणा करेंगे तो माइनस और प्लस का n बन जाएगा, m से m कैंसिल, तो नीचे क्या बन गया 2n बन गया। भाई पूरा लिख दें क्या, ये लो अब तो समझ में आ गई होगी, ये कट गया 2n। अब बना क्या जाके पूरा 2m अपॉन में 2n और बराबर में 12/7 से 5 गया 2, ये कैंसिल आउट, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं। हमेशा याद रखो a अपॉन में b अगर लिखा हो c अपॉन में d तो क्या लिख सकते हैं, a प्लस का b अपॉन में a माइनस का b, c प्लस का d c माइनस का d, यानी कि इससे इस पर भी जा सकते हैं और इससे इस पर भी आ जा सकते हैं, इसीलिए देखो a और b यहाँ लिखे थे ये लिख दिया। अब ये चीज ध्यान रखना, नीचे ऊपर टर्म बराबर होने चाहिए, सेम होने चाहिए, यानी कि m लिखा तो m, n लिखा तो n, 2m लिखा होता तो नीचे भी 2m, 2n लिखा हो तो यहाँ पर भी 2n, ये चीज ध्यान रखना, दोनों टर्म बराबर होने चाहिए, जैसे ऊपर वैसे नीचे साइन डिफरेंस होना चाहिए बस, प्लस नीचे माइनस का। अगला सवाल, एक विक्रेता 1 रुपए में 4 रबर बेचता है, 25% का लाभ अर्जित करता है, उसने 1 रुपए में कितनी रबर खरीदे। तो देखो 1 रुपए में 4 रबर खरीदता है, 1 रुपए में 4 रबर खरीदता तो 1 रबर कितनी की होगी, 1/4 की, इस पर 25% का उसे लाभ हो रहा है, यानी कि 125/1/4 हो गया। अब यहाँ पर ये समझो, ऊपर क्या लिखा है हमने, रुपए लिखे, नीचे क्या लिखी है, रबड़ लिखी है। अब अगर हम यहाँ पर लिखते क्या 1 रुपए में कितने रबर उसने खरीदे थे, यानी कि 100 का मान निकालना, खरीदने का मतलब क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस, तो यहाँ से निकालेंगे तो 1/4 गुणे में हो गया 100, बटे में हो गया 125, हमें ये निकालना है 1 रुपए में कितने, तो क्या करते हैं ऊपर नीचे सेम नंबर से गुणा। यहाँ पर इसलिए मैंने लिखा, अगर वो कह देता 5 में कितने खरीदे तो हम ऊपर नीचे 5 का गुणा कर देते, और रुपए में पूछा गया तो रुपए को टच नहीं करते, समझ गए, क्योंकि हमने यहाँ पर देखो ऊपर रुपए लिखे थे नीचे रबर, तो इससे कंपेयर इसको कर रहे थे, तो इसी तरीके से इसको करते हैं, तो 1/1 हो गया, इसको बिल्कुल भी टच नहीं करना है, इसके अलावा कर लो जो भी सोल्यूशन आएगा आंसर आ गया, तो 25 चौक 100 25 125 हो गया, 4 से 4 कैंसिल, यानी कि 1 रुपए में उसने 5 खरीदे थे, बात खत्म हो गई, ठीक है। चलो फिर अगला सवाल, इस पर लेंदी सवाल भी बनते हैं इसलिए इस तरीके से बताया है।
सर ठीक है, तो ऐसा ना समझना कि ऐसा लेंदी कर दिया है। पी और क्यू एक खेत की फसल को 10 दिनों में काट सकते हैं, क्यू और आर उसे 15 दिनों में काट सकते हैं, तथा पी और आर 18 दिनों में काट सकते हैं, यदि वे तीनों मिलकर कार्य करें तो खेत की 60% फसलें कितने दिनों में काट लेंगे। तो 60% 20 या 60, 20 50 100। अब यहाँ पर देखो आपको कुछ भी दिमाग नहीं लगाना है, केवल एलसीएम लेना है। एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर किया 10 यानी कि 2 का गुणा और कर लो, अभी समझ जाओगे क्यों कर रहे हैं। या जो समझ गया होगा वो तो बहुत हंस रहा होगा कि हाँ ठीक है मैं समझ गया, क्या बताना आपको। 9 6 15 5 20 हो गया, इधर करेंगे ये 10 हो गया, यानी कि 9 आ जाएगा, समझ रहे। लेकिन टोटल काम का 3/5 करना था, यानी कि 9 × 3/5 टाइम भी हो जाएगा, तो यहाँ से 9 3 27 हो रहा है, 27/5 यानी कि 25/2 सही है, इतना आगे। अब यहाँ पर देखो ऐसा करने की जरूरत नहीं है आपको, क्यों पी लिखोगे क्यू लिखोगे 10 दिन में, फिर क्यू लिखोगे आर लिखोगे 15, फिर पी लिखोगे आर लिखोगे 18, एलसीएम लोगे 90 10 6 90 हो गया, 15 6 90 15 6 90 18 5 90, फिर इनको जोड़ोगे पी प्लस क्यू प्लस का आर करोगे, 9 6 15 5 20 करोगे, 2 करोगे, फिर यहाँ से 10 निकालोगे। क्यों करना है इतना, हमें भैया डायरेक्ट एलसीएम मिल गया, हमें पता 2 डिवाइड करना पड़ेगा, वो हमने ऊपर चिपका दिया, बाकी जो है आती गई हमारी इफिशियंसी, हम डायरेक्ट लिखते गए। 90 तो लिखा था ना, 10 9 90 लिख दिया, 15 6 90 और 18 5 90, इनको जोड़कर इतना कर दिया। अब ये जो काम था ना इसका 2/3 करना था, तो जो भी आंसर आएगा उसका 3/5 कर दे, सॉरी 3/5 उसका कर देते, बात खत्म हो गई। तो आपको प्रैक्टिस करनी है इस पे, देखो किया मैंने ऐसे ही सवाल है, ऐसा नहीं कि इसमें हम अलग से कुछ ले आए हवा हवाई कर दी, नहीं भाई बिल्कुल बेसिक से ही किया, बस स्टेप्स कटिंग की। चलो फिर अगला सवाल, यदि 21/25 का 120% माइनस एक्स का 80% इसके कितना है, तो एक्स का मान क्या होगा। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं बनता, आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा, आगे अगर परसेंटेज होता तो ठीक है, नहीं है तो आपको गुणा करना पड़ेगा। लेकिन आप एक चीज देखो, यहाँ पर भी परसेंटेज है, यहाँ पर भी है, ये हटाकर नीचे करके यहाँ पर कर दें, इससे क्या होगा कि हमें डायरेक्ट गुणा करना पड़ जाएगा, बाकी 100 करोगे फिर 0 काटोगे, कोई मतलब नहीं बनेगा उस चीज का। तो अब क्या करो, देखो यहाँ पर डायरेक्ट गुणा कर दो, 12 5 60 हो गया, 12 2 24 6 30 हो गया, 1 0 ये भी लगा लो, और 12 1 12 12 3 15 हो गया, और 12 2 24 24 और 1 25 हो गया, इधर कर देंगे तो ये 80x हो गया, बराबर में ये हो गया 15000, इधर लेके आ जाएंगे तो ये माइनस कर देंगे इससे, यानी कि 0 0 0 0 0 और 0 बराबर में ये आ गया, यानी कि काट देंगे तो 3 आ रहा किसी में, आंसर लगा दो। अगला सवाल, एक आयताकार कमरे के फर्श का क्षेत्रफल इतना है, इसका परमाप इतना है, सबसे लंबी छड़ी की लंबाई मीटर में कितनी है जिसे एक आयताकार कमरे में रखा जाता है। कहने का मतलब उसे ये है कि एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये निकालना है, एल इंटू में बी बराबर में 60 दिया था, और एल प्लस में बी बराबर में 17 दिया था, ये तो समझ गए ना, 2l + b होता है, हमने 2 का भाग करके लिख लिया। अब यहाँ पर तो या तो आप देखो एज्यूम कर लो कि वैल्यू क्या हो सकती थी, जो कि हमें आसानी से दिख रही थी 12 5 60, समझ में आ गई बात, तो यहाँ से 12 + 5 हो रहा था, बाकी हमें क्या करना पड़ता है, सॉल्व करना पड़ता है, इसका होल स्क्वायर करना पड़ता है, उसके बाद आंसर आता। अब यहाँ पर एक चीज और दिख गई, 12 का स्क्वायर + 5 का स्क्वायर, ये ट्रिपलेट बनाते हैं तो ये रूट के बाहर निकलेंगे, 13 का स्क्वायर देंगे, सॉरी रूट में ही देंगे, तो ये 13 बाहर आ जाएगा, बात खत्म हो गई, बाकी ट्रिपलेट लगा के कर लेना भाई, 12 × 144 = 25 25 169 आएगा, तब भी वही आएगा, और अगर आप 5 12 13 का नियम लगा लेंगे तब भी वही आएगा, तो टाइम बचाओ ना, क्या ही करना है। चलो फिर अगला देखते हैं, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः इतनी और इतनी कम है, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट के दो स्थान तक बताना कम है। तो देखो अगर बेसिक क्लियर है फिर से वही कहूंगा, अब पूरा नहीं लिखना, जितना लिखना उतना हम काम करेंगे ना, 29% कम है 71 हो गया, 37% कम है यानी कि 3 यानी कि 63 हो गया। अब यहां पर कह रहा था दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है, तो ये दूसरी संख्या हो गई, पहली संख्या हो गई, कितने का डिफरेंस आ रहा, 8 का 71 × 100 आ जाएगा। अब ऑप्शन का सहारा लेंगे, 71 × 71 तो एक करना ही पड़ेगा, इसके अलावा बचा कितना है, 9 बचा, यानी कि 90 बचा, अभी भी एक ही बार भाग जाएगा, आंसर लगा दो। ठीक है, अब ये पूरा लिखोगे कि संख्या ये रही, फिर वहां से 71 माइनस कर रहे, फिर 63 कर रहे, तो ये टाइम टेकिंग हो जाएगा, बाकी तो किया हमने वैसे ही, ये बेसिक ही है, इसमें तो ज्यादा कुछ स्टेप्स कटिंग भी नहीं हो पाई। अगर हाँ खुद से करना होगा तो आपको इतनी प्रैक्टिस करनी होगी कि स्टेप्स कटिंग हो, नहीं तो फिर क्या फायदा है, कुछ तो स्मार्ट बनो। अब ये संख्याएं दी गई, कह रहा था कौन सा सबसे छोटा भिन्न जोड़ा जाए ताकि योगफल पूर्ण संख्या बन जाए।
तो सबसे पहले देखो इसको लिख कैसे सकते थे, 3 + 2/3 + 6 + 7/12 + 4 + 9/36 लिख सकते थे। सब में कर दो नीचे बेस बराबर, यहाँ पर 3 कर लो, यहाँ पर 3 कर लो, सॉरी 12, यहाँ पर 12। अब इनको तो डायरेक्ट जोड़ सकते हैं, यानी कि ये तो 13 हो गया, बाकी सब में 36 हो गया नीचे। अब यहाँ पर देखो 12 × 2 = 24, 7 × 3 = 21 हो गया, इधर तो 36 था ही था, तो 9 × 1 = 10, 10 × 4 = 14 हाँ से लगा 1 हो गया, यानी कि 3 हो जाएगा, 3 × 2 = 5/36 हो गया। तो फिर यहाँ पर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, 9 × 6 = 54 हो गया, 9 × 4 = 36 हो गया, क्या ही कर लिया, ठीक है, 2 × 3 = 6, 2 × 2 = 4 हो गया, यानी कि 13 × 26 = 3, 29/2। भाई ये देखो 0.5 हो गया, इधर करेंगे ये 0.25 हो गया, इधर करेंगे 0.2 हो गया, इधर करेंगे 0.333, ऐसे चलता जाएगा, आपको यही तो दिख रही होगी, ये तो चला जाएगा इसके ऊपर, दो बार लगाना पड़ेगा, तो इसमें हमें यही से काम करना पड़ेगा, तो 1/2 कर देते हैं, यानी कि 29 × 1 = 30/2 हो गया, यानी कि ये कितना आ गया, 15 आ गया। अब यहाँ पर देखो क्या हुआ मेरे साथ, इतनी जल्दी जल्दी सवाल पढ़ लेते हैं, यही सब कुछ हो जाता कभी कभी। हम सोच रहे हैं यहाँ पर पूर्ण वर्ग बनाना लिखा, लेकिन लिखा क्या, पूर्ण संख्या बनानी, अब पूर्ण संख्या हमारी बन चुकी तो फिर आंसर हमारा आ चुका है, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कोई बात नहीं, अगला सवाल करते हैं। यदि किसी संख्या के 67% को 59.4 में जोड़ा जाता है तो परिणाम स्वरूप वही संख्या प्राप्त होती है, वह संख्या है। अब देखो किसी संख्या के 67% को इसमें जोड़ा जाता है, यानी कि अगर मान लो ये 100 रहा और इसके 67% में ये संख्या अगर जोड़ी जाती तो वही संख्या प्राप्त हो जाती, कहने का मतलब ये हो गया, यानी कि इन दोनों का डिफरेंस ही तो ये दिया था, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा 33, 33 बराबर में हो गया 59.4 हो गया। अब हमें वही संख्या चाहिए थी, यानी कि 100 का मान हो गया, तो इधर करेंगे 11 × 55 हो गया, 5 × 4 = 11 × 6 = 44/3 हो गया, इधर 18 हो जाएगा, यानी कि 180 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगला सवाल, 800 की धनराशि 3 वर्षों में एक निश्चित वार्षिक साधारण ब्याज दर पर x% पर इतनी हो जाती है। पहली बात साधारण ब्याज, यदि ब्याज दर इतनी परसेंट तक बढ़ा दी जाए तो 800 की धनराशि 3 वर्ष में कितनी हो जाएगी। सिंपल सी बात है भैया, बहुत आसान सवाल हो गया। देखो 800 पर 6% का 3 वर्ष का निकाल, ये कैंसिल आउट हो गया, 6 × 3 = 18, 18 × 8 = 144 और बढ़ जाएगी 956 में ये जोड़ दो, 6 × 4 = 10 हो गया, 5 × 4 = 9 हो गया और 10 × 11 आंसर आ गया। भाई हमें कुछ नहीं करना पड़ा, हमें ये पता था कि 3 साल का इतना है और रेट हमारी यहाँ पर कुछ भी रही हो, लेकिन यहाँ पर रेट बढ़ गई कितनी, 6%, तो एक्स थी, एक्स से 6 बढ़ गया, तो 6 बढ़ गया, हमने इतना ही एक्स्ट्रा और ब्याज निकाल लिया, भाई जितना बढ़ रहा उतना बढ़ा दिया हमने, उतना ब्याज निकाल के सेम संख्या में जोड़ दिया, आंसर आ गया। अगला सवाल, अब ये तो कर चुके अभी शिफ्ट में, तो 9 × 7 = 16 हो गया, 16 में 8 जोड़ेंगे तो 24 हासिल लगा, 2 हो गया। अब कह रहा था क्यू का अधिकतम मान, अब क्यू का अधिकतम मान कैसे निकालोगे, हमें पी और आर जीरो रखना पड़ेगा, पी और आर जीरो रखने के बाद 7 × 2 में क्या जोड़ा जाए कि हमें 9 मिल जाए, तो 7 आंसर। अगला सवाल आसान है ये तो, इन्हें एक वस्तु को 5200 में खरीदा और उसे 30% की हानि पर बेच दिया, इस राशि से उसने दूसरी वस्तु खरीदी और 60% के लाभ पर बेच दिया, उसे कुल मिलाकर कितना लाभ हुआ। आसान हो गया, देखो 30% को 3/10, यानी कि 10 की चीज 7 में, 60% का मतलब हो गया या तो कर लो 160/100, तो ये देखो 2 × 8 = 16, 2 × 5 = 10, यानी कि 5 की चीज 8 में बेची गई। अब यहाँ पर 2 × 4 = 8, 2 × 5 = 10 हो गया, 5 × 25 हो गया, 7 × 4 = 28 हो गया, कितने का प्रॉफिट हो रहा, 3 का, किस पर, 25 पर, बुढ़े में 100 कर दो तो 25 × 100 यानी कि 12%, तो जितना यूज आए ना उतना ही यूज करो, बाकी क्यों करेंगे। अगला सवाल, एक परिवार का औसत मासिक खर्च प्रथम 3 महीनों के दौरान इतना, अगले 4 महीनों के दौरान इतना और वर्ष के अंतिम 5 महीनों के दौरान इतना था, यदि वर्ष के दौरान कुल बचत इतनी थी तो उस परिवार की औसत मासिक आय ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखो सवाल में कैलकुलेशन में कोई दिक्कत नहीं आएगी, 4 का गुणा करना, कहीं 5 का, कहीं कुछ का, डिविजन मेथड से ये हो जाएगा, लेकिन वहां पर क्या होगा, इसमें बड़े बड़े नंबर होंगे, घटाना बिटाना ज्यादा पड़ेगा, गलत होने के चांस ज्यादा है, हो जाएगा उससे मैं अभी भी कह रहा हूं, तो यहाँ पर हमें क्या करना, डायरेक्ट करना है, 3 महीनों का दिया था यानी कि 7500 डायरेक्ट कर दो खर्च दिया था, 4 महीनों का कितना दिया था, गुणा कर दो 0, 4 × 5 = 20 हो गया और 4 × 6 = 24 और 2 = 26, 4 × 2 = 8 और 2 = 10 हो गया,
इधर करेंगे 5 महीनों का, यानी कि 0 हो गया, 5 चौकू 20 हो गया, 5 8 40 और 2 42 हो गया, 5 9 10 और 4 14 हो गया, ये इतना आ गया, यानी कि 5 4 9 3 12 महीने का ये क्या आ गया, ये टोटल खर्च आ गया। अब यहाँ पर कुल बचत दी गई थी, लेकिन हमसे औसत मासिक आय पूछी गई, यानी कि इसमें हमें सब में मिलाकर 12,700 और जोड़ना पड़ेगा, फिर हमें 12 से भाग करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो टोटल क्या था, ये एक्सपेंडिचर था और ये हमारी क्या थी, सेविंग थी पूरे साल की। तो इस तरीके से हमको क्या करना था, सवाल को करना था। जोड़ लेते हैं भैया, देखो लास्ट में तो सब में 0 है, फिर एक और 0 आ जाएगा, फिर 5 6 5 11 हो गया, 11 2 13 13 7 20 हो गया, हासिल लगा दो, 7 2 9 हो गया, 9 4 13 13 और 2 15 हो गया, हासिल लगा 1 हो गया 2 और 1 3 और 1 4 हो गया, बटे में कर दो कितना 12, तो इधर करेंगे 12 3 36 हो जाएगा, 12 4 48 तो ज्यादा हो जाएगा, 36 किया तो 9 बच गया, तो 12 7 84 12 8 96 ज्यादा हो जाएगा, 37 मिल गया, आंसर आ गया, बात खत्म। समझ गए बात को, आपको कैलकुलेशन कम से कम करनी है, बाकी देख लो सवाल तो टफ था ही, तो जब भी नंबर बड़े मिले एवरेज में खास तौर से, तो आप कोशिश करना, अगर आपको लगता है कि आसानी से हो जाएगी कैलकुलेशन तब ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके करो। चलो फिर अगला सवाल, एक दुकानदार ने अपने घर की मरम्मत के लिए बैंक से इतने का ऋण लिया, वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होने वाली ब्याज दर इतने परसेंट वार्षिक है, 2 वर्ष की समाप्ति पर उसने अपनी अंगूठी सहित 20,000 का भुगतान कर ऋण चुकता कर दिया, अंगूठी का मूल्य ज्ञात कीजिए। अब देखो चक्रवृद्धि ब्याज कह रहा था, सबसे पहले तो यहाँ पर देखो 12.5% का मतलब 1/8, यानी कि 8 से चीज 9 हो गई। अब 2 साल की कह रहा था, 2 वर्ष की बात कर रहा था ना, होल स्क्वायर कर देंगे तो 64 हो गया, 9 81 हो गया, तो 64 का तो मान हमें दिया गया था 32,000, यानी कि 32 2 64 हो गया, यानी कि 500 गुना कर देंगे, 00 5 6 20 ठीक है, इधर कर देंगे 500 गुना तो 00 5 1 5 हो गया, 5 8 40 हो गया, तो यहाँ पर क्या करना था, इतना उसे देना था, लेकिन उसने 20,000 तो दे दिया है, लेकिन अंगूठी का कितना बचा, 00 5 04 से दो गया तो आंसर। अगला सवाल, 5 अंकों की वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतने 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 से विभाज्य हो जाती है, तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या हमें देखनी पड़ेगी, इसमें कौन सी है सबसे छोटी संख्या, ये तो सबसे बड़ी हो रही है, यानी कि ये सबसे छोटी है, अब इसमें हम डिवाइड करेंगे तो 5 से तो हो जाएगा, 7 से देखना पड़ेगा और कुछ बन रहा, 3 का मल्टीपल देख लेते, 5 5 10 5 15 1 16, 3 का तो मल्टीपल नहीं है ये, तो हटा दो, क्योंकि यहाँ पर क्या आ रहा था, 3 × 13 आ रहा था, तो ये तो चला गया। अब यहाँ पर क्या बचता है, उससे इससे क्या आता, ये आ जाती इससे बड़ी, क्योंकि हमें सबसे छोटी की तरफ से चेक करना ना, 5 से तो हो जाएगा, 9 2 11 1 12 उससे भी हो रहा, हमें क्या बचा, 7 से चेक करना बचा, 13 से, 7 से करेंगे 7 1 7 हो गया, 3 बचा 7 5 35 7 6 42, 13 से करेंगे 13 8 104 13 4 52 हो गया, बात खत्म, क्योंकि यहाँ पर भी 13 × 5 है, तो आंसर लगा दो, आगे बढ़ जाओ। अगला सवाल, अच्छा हाँ इस पे ये भी बता दें कि अगर पूरा करना हो, कभी कभी क्या होता है कि सम पूछ लेता है, तो हमें एक चीज बताए, इनका तो एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेने के बाद सबसे छोटी संख्या 5 अंकों की कौन सी आती है, 2 2 4 और 1 5 हो गया, ठीक है, आप इसको डिवाइड करेंगे, जो भी रिमाइंडर आएगा इसमें से माइनस कर देंगे, तो वो 5 अंकों की संख्या हमारी यही निकल के आ जाएगी, ठीक है, तो ये निकल के आ जाएगी, तो उसके बाद हमारा क्या होगा, सम कर लेंगे, तो सम पूछा जाएगा, सम निकल आएगा, तो कोई दिक्कत नहीं होती, बस आपके बेसिक क्लियर होने चाहिए। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर प्रत्येक एक्स परसेंट वाली 2 क्रमिक छूटे, एकल छूट इसके बराबर है, यदि उस वस्तु का अंकित मूल्य इतना, तो एक्स का मान क्या होगा। अब यहां पर देखो 800 की राशि थी, उस पर 275.12 की छूट दे दी, तो 10 से 2 गया तो 8, 9 से 1 गया तो 8 हो गया, 9 से 5 गया तो 4, 9 से 7 गया तो 2, इधर 7 से 7 बचा 7 से 2 गया 5, ये आ गई छूट देने के बाद, ठीक है, लेकिन एक चीज बताओ, अगर मान लो रेट पता होती तुम्हें, 10% पता हो तो क्या करेंगे, 9/10 × 9/10 और मार्क प्राइस का कर देंगे, यानी कि ये सेलिंग प्राइस निकल के आ जाएगा, हमें यहाँ पर नहीं पता, हम कर ले रहे ए से बी चीज होगी, ए से बी हो गई, यानी कि ए स्क्वायर से बी स्क्वायर हो गई, तो यहाँ पर ए स्क्वायर जो हमें पता है वो है, बी स्क्वायर जो छूट देने के बाद प्राइस आया, तो हमें जो पता था वो 800, 2 जीरो और बढ़ा लो, क्योंकि जो हमको दिया गया था, यानी कि जो छूट देने के बाद आया, उसमें पॉइंट लगे हुए थे, तो वो पॉइंट नीचे लिख लिए। अब क्या था, अब कैलकुलेशन करनी थी, पहले तो 8 × 8 करना पड़ेगा, इधर करेंगे तो 8 6 48 8 5 40 हो गया, 8 6 48 8 1 8 हो गया। अब आती है किसकी भैया, ये 65 61 किसका स्क्वायर होता है, सबसे पहचानने की बात, तो यहाँ पर एक चीज देखो, अगर 80 का स्क्वायर करोगे तो 6400 हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं तो एहसास हो रहा है, कहीं ना कहीं पास पहुंचे हैं,
समझ रहे बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? अगर नहीं समझ रहे तो ऐसे कर लो, 90 का स्क्वायर करेंगे तो 9×81 हो गया, इससे तो कम है, इससे तो ज्यादा है, यानी कि 80 और 90 के बीच में रहा होगा, और 6400 से थोड़ा सा ज्यादा है, यानी कि ये कहीं ना कहीं 81 का स्क्वायर बन रहा है। तो बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर बराबर में लिख लेंगे 81 का स्क्वायर बटे में हो गया 100 का स्क्वायर, यानी कि अब रूट ले लेंगे तो बी अपॉन ए में क्या हो गया 81 बटे में 100 हो गया। तो यहाँ पर देखो कितनी छूट दी गई भाई साहब, समझ में आ गई 19%। बात खत्म हो पाई? एक ट्रक निश्चित चाल से इतने किलोमीटर की दूरी तय करता है, यदि उसी चाल से इतने कम हो जाती तो वह दूरी तय करने में इतने अधिक समय लेता। भैया इतनी बार ये फार्मूला बता चुके, ये ओरिजिनल स्पीड, एस माइनस का ओरिजिनल डिफरेंस, यानी कि यहाँ पर प्लस माइनस करो, यानी कि स्पीड का डिफरेंस बटे में स्पीड का डिफरेंस इंटू में टी में डिफरेंस, यानी कि टाइम में। अब सबकी वैल्यू रख दो, 384 हो गया बराबर में, यह समय पता नहीं है, यहाँ पर क्या हो रहा था, कम हो रही थी तो माइनस का ले लेंगे, ज्यादा हो रही होती तो प्लस का, और इंटू में 2 घंटे, 2×8=16 हो गया। अब यहाँ पर वैल्यू पुटिंग तो करनी पड़ेगी, नहीं तो क्वाड्रेटिक बनेगी तो फायदा नहीं होगा। सबसे पहला ही ऑप्शन 64 लिखा है, इधर कर देंगे 64 माइनस का 16, तो इधर कर देंगे 8×2=64 हो गया, 14 से 6 गया तो 8 हो गया, और 5 से 1 गया तो 4, 8×2=64 हो गया, यहाँ से लगा 6, 8 चौक 32 और 6×38, सेटिस्फाइड हो गया आंसर। अगला सवाल, अगर नहीं होता तो सारे चेक करने पड़ते, इसमें और कोई नई तरीका है। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का अनुपात, एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन क्रमशः इतने और इतने दिए गए हैं, इसकी त्रिज्या और उसकी ऊंचाई के बीच अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो तो फिर क्या दिया गया था, 2πRh बटे में πr²h बराबर में 792 अपॉन में हो गया 2772 हो गया। अब ये कहीं ना कहीं खुशबू दे रहा है किसकी, 11 की डिविजिबिलिटी की, लेकिन करना है करते हैं। ये पाई से पाई कैंसिल हो गया, एच से एच हो जाएगा, आर से आर हो गया, इधर करेंगे तो 2×3=6 हो गया, 2×9=18 हो गया, और 2×6=12 हो गया, 11×3=33, 11×6=66, 2 हो गया, बचा 5×55, 11×2=22 हो गया, इधर कर लेंगे 2×6=12 हो गया, यानी कि 12×3=36 से तो काम चलेगा नहीं, लेकिन 9×6=36 जरूर चल जाएगा, 9×3=27 ज़्यादा, 9×2=18 हो गया, 7 बचा और 9×8=72 हो गया, 4×7=28, यानी कि रेडियस कितनी आ गई, 7 आ गई। अब हमें रेडियस ही आगे लिखनी थी, 7 का मल्टीपल होना चाहिए था क्योंकि प्राइम नंबर है 7, किसी से तो कटना नहीं है, तो आंसर हमारा यहीं से आ गया, हाइट निकालने की जरूरत भी नहीं पड़ी। अच्छा कभी कभी क्या होता है कि आपको कुछ चीजें दी जाती हैं, तो इसमें देखो अगर ये ध्यान रखना है, ये पाई आर स्क्वायर एच आपका वॉल्यूम होता है, इसको हम लिख सकते हैं पाई आर एच इंटू में आर और 2/2, ये ध्यान रखना, क्योंकि कभी कभी आपको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल दे देगा और रेडियस वगैरह दे देगा, आयतन पूछ लेगा, तो आपको इस तरीके से करना है। ये हो गया वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, यहाँ पर मान रखेंगे, रेडियस का मल्टीप्लाई आंसर आ जाएगा, आप यहाँ पर भी यूज कर सकते हैं इस चीज को, डायरेक्ट आर आपकी निकल के आ जाए, ठीक है। तो ये चीजें यूज कर लिया करो, अपने हिसाब से छोटी छोटी ट्रिक बनाने की कोशिश किया करो। अगला सवाल, किसी काम को करने के लिए एबीसी क्षमताओं का अनुपात इतना है, एक साथ काम करते हुए वे काम को 27 दिनों में पूरा करते हैं, ए और बी ने एक साथ 15 दिनों तक काम किया, अकेले सी द्वारा कितने दिनों में शेष काम पूरा कर लिया जाएगा, यानी कि टोटल वर्क अगर लिखें तो 27 गुणे में इफिशियंसी जोड़ देंगे, 3×2=5×5=10, यानी कि 270 हो गया। अब यहाँ पर ए बी ने 15 दिनों तक काम किया, 15 दिनों तक इफिशियंसी उनकी 5 हो गई, तो 75 काम कर लिया, यानी कि बचा कितना है, 195 काम बचा हुआ है, इनका डिफरेंस कर दिया हमने। अब किसको करना है, सी को, तो बटे 5 कर देंगे, 5×3=15, 5×9=45 आंसर। अगला सवाल, 5 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का अनुपात इतना था, अब से 7 वर्ष बाद ए और बी की आयु का अनुपात इतना है, उनका वर्तमान आयु का योग वर्षों में क्या होगा। अब यहाँ पर देखो 5 वर्ष पहले की कह रहा, 7 वर्ष बाद, यानी कि डिफरेंस बराबर होना चाहिए था, 4 में कितना जोड़ें 11 आएगा 7 और 5 में कितना जोड़ें 13 आएगा 8, दोनों में बराबर तो नहीं जुड़ रहा है, यानी कि हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस किया 1 आया, इनका डिफरेंस किया तो 2 आया, तो जब 2 यहाँ पर आ गया तो ये डिफरेंस बराबर होना चाहिए, यहाँ पर भी 2 कर लें, तो इधर करेंगे तो ये 4×8 हो गया, 5×10 हो गया, इधर था 11 और 13 था, ये यहाँ पर कहीं तो मिड में रही होगी प्रेजेंट की, ये 5 वर्ष पूर्व की आ गई और नीचे चले जाएंगे तो ये 7 वर्ष बाद की आ गई। अब हमारे हिसाब से डिफरेंस 3 का है, 3 बराबर में इनमें डिफरेंस, सॉरी दोनों में डिफरेंस टोटल कुल कितना था, 12 था। अब हमें क्या निकालना था, वर्तमान योग,
पहले तो इन दोनों का योग निकाल लो, यानी कि 18 बराबर 6 गुना हो रहा था तो 12 6 72 आ गया। अब यहाँ पर ये तो कब का आया है, ये 5 वर्ष पहले का आया, यानी कि प्रेजेंट में निकालेंगे तो दो लोगों का 5 5 जोड़ेगा ना, यानी कि 5 2 10 इसमें और जोड़ दो, 82 आंसर। अगला सवाल, चलो फिर ये भी शिफ्ट आपकी समाप्त हो गई है, अभी तक की जितनी भी शिफ्ट की है सबसे इजी शिफ्ट है ये, ठीक है। तो आप मान सकते हैं बहुत कम कैलकुलेशन देश में उनकी अपेक्षा, उनमें तो बहुत अच्छे अच्छे सवाल थे, मतलब कैलकुलेशन अच्छे लेवल के जिसको मानते हैं, ये बहुत आसान पेपर था, तो आप लोगों ने अगर वो अच्छे से किए होंगे तो ये पेपर बहुत आसान लगेगा। अब फिर इसी तरीके से तैयारी भी करनी है, बाई चांस अगर पेपर में कहीं आपको मिल गया ये तो आप समझ लो क्या करोगे, इस पेपर की बखिया उधेड़ के रख दोगे भाई, इतने अच्छे लेवल की तैयारी करके जा रहे हो आप लोग, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, बस अपना स्ट्रांग करिए बेस, और उसमें कोशिश करिए स्टेप्स कटिंग, जब भी सवाल करें आपको लगता है आता है तो ऐसा नहीं टिक मार के आगे निकल गए रिवीजन के टाइम, भैया उस पर टाइम दो और स्टेप्स कटिंग करने की कोशिश करो। जैसे मान लो अगर सवाल लिखा हो तो पढ़ते जाओ, कोशिश करो कि जहां तक आप सोच पा रहे वहां तक ओरल करने की कोशिश करो, जहां पर सोचने की क्षमता खत्म वहीं पर लिखना स्टार्ट कर दो, धीरे धीरे अपने आप कम होने लगती है, लेकिन वो कैसे आएगा, प्रैक्टिस, ठीक है। चलो फिर कमेंट करना है आपको, बाकी बताइएगा क्या सजेशन हो सकता है, इसके बाद एक शिफ्ट बची हुई है तो उसको भी फटाक से खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।